दिया, नाक साफ है बड़ा। मतलब रात में भी इसको आप देखे घर में? हाँ रात में देखे हम लोग आगे, तो ना हम लोग की डर से हम लोग लेडीज लोग थे, आपको जो है हम ईस्ट कॉलोनी रेलवे हॉस्पिटल कैंपस आए हुए हैं और यहाँ 133 क्वार्टर नंबर में लोग बता रहे हैं कि एक सांप देखा जा रहा है बार बार, कल रात में भी दिखाई दिया था, उसके बाद फिर वो कहीं चला गया, लेकिन अभी सुबह सुबह जब लोग अंदर गए काम करने तो फिर से सांप दिखाया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, और यहाँ दोस्तों देख सकते हैं ये कोबरा सांप बैठा हुआ है यहाँ पर चिपके, और ये बिग साइज का कोबरा ही है दोस्तों, और छिप के बैठा हुआ है। और दोस्तों हुआ क्या है कि कल काफ़ी बारिश हुई है, और ऐसे में क्या है हमें लगता है सांप के बिल में पानी चला गया होगा और सांप छिपने की तलाश में घर में आ गया हो। चलिए ऐसे निकालते हैं हम लोग बड़े प्यार से। काफी बिग साइज का कोबरा है दोस्तों, हमने इसे पकड़ लिया है, अभी से हमें काफी सावधानी से निकालना होगा बाहर। सांप जोर लगा रहा है दोस्तों छिपने के, देख सकते हैं किस तरह से सांप जो है जोर लगा रहा है, और ये कोबरा सांप है दोस्तों, और बिग स्पेक्टिकल कोबरा है ये। इसे बहुत सावधानी से हम लोग लेकर बाहर चलते हैं, आइए। दोस्तों देख सकते हैं यही है स्पेक्टिकल कोबरा, और काफी बिग साइज का कोबरा है दोस्तों, ये देख सकते हैं ये काफी बड़े साइज का कोबरा है। और घर के अंदर अगर जहरीले सांप हो दोस्तों तो खतरा बना ही रहता है, क्योंकि वैसे तो आपको सांप काटते नहीं है, लेकिन क्या है कि घर में कभी अगर आपके संपर्क में सांप आ गए तो वो आपको बाइट कर लेंगे, जिस तरह अभी आप देख सकते हैं हम कोबरा के नज़दीक जा रहे हैं, ये हम पर हमला करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, लेकिन ये क्या है थोड़ा सा कमज़ोर है अभी, इसे क्या है अभी शिकार की ज़रूरत है, ये हमें खतरा मान रहा है इस वजह से ये हम पर हमला कर रहा है। लेकिन दोस्तों हम बताते चले, सांप जो है सिर्फ अपने शिकार से मतलब रहते हैं, ये तभी आप पर हमला करेंगे जब आपसे इन्हें किसी तरह का खतरा पहुंचेगा, अदरवाइज क्या है कि सांप आपको काटना नहीं चाहते हैं, वो बचकर निकलना चाहते हैं। यह भी जो है घर के अंदर आया था और आश्रय की तलाश में आया था दोस्तों, आप इस कोबरा की हालत देख सकते हैं, काफी ज्यादा दुबला पतला है यह सांप, और हमें लगता है काफी दिनों से इसने शिकार नहीं किया है, और ऐसे में क्या है घूमते फिरते यह जो है रेलवे क्वार्टर में आ गया। तो दोस्तों बताते चले, कभी भी कोई भी स्नेक बाइट हो आप सीधा सरकारी सदर अस्पताल जाएं, वहां जाकर डॉक्टर से इलाज कराएं, क्योंकि झाड़ फूक जो है दोस्तों इसका समाधान नहीं है, क्योंकि बरसात आ गया है और काफ़ी सारे सांप के अंडे से बच्चे निकल रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे जो है अक्सर घूम रहे हैं इधर उधर, और कई बार स्नेक बाइट की घटना बहुत ज़्यादा हो जाती है बरसात में, क्योंकि सांपों के को जो है मनुष्यों से आमना सामना अधिक होने लगता है। इस वजह से क्या है हमारे बिहार में या हमारे और भी पिछड़े क्षेत्र में लोगों को बीच जानकारी नहीं है कि सांप काटने के बाद उनको करना क्या चाहिए, तो वो तंत्र मंत्र ओझागुनी झाड़ फूक के चक्कर में चले जाते हैं, और जिस कारण से दोस्तों उनका कीमती समय बर्बाद हो जाता है, और फिर बाद में अगर वैसे जगह में कोई फायदा नहीं होता है तो फिर वो हॉस्पिटल का रुख करते हैं, और हॉस्पिटल जाने के बाद भी उनकी जान नहीं बचती है। तो सांप काटने के बाद जल्द से जल्द सीधा सरकारी सदर अस्पताल जाए। काफी एक्टिव कोबरा है दोस्तों, देख सकते हैं किस तरह से यह तन जाता है और फुफकारता है, यही इसकी पहचान है, ये एक जहरीला सांप है, इससे बिल्कुल भी दूर रहे, खुद से इसे ट्रीट करने की बिल्कुल कोशिश न करें। आए दिन ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं जहां लोग सांप को हाथ में उठा के उसके साथ
फ्री हैंडलिंग कर रहे हैं, आसानी से ये जानलेवा हो जाती है। कई बार जो है ऐसे नवयुवक जो है सर्पदंश का शिकार हो जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। तो दोस्तों अगर आपको सांप पकड़ना ही है तो आप किसी प्रोफेशनल से अच्छी तरह से ट्रेनिंग ले लें, उसके बाद सांपों को आप हैंडलिंग करें। सिर्फ कुछ वीडियोस देख के आप हमारी नकल करने की कोशिश ना करें, ये एक जानलेवा काम है। और अगर थोड़ी सी चूक आपके लिए भारी पड़ सकती है तो चलिए साथियों इसे अब हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं। कितना एक्टिव है दोस्तों, ये हर तरफ देख रहा है। इसे ठीक से खड़ा होने में भी प्रॉब्लम हो रही है, ये कमजोर है, काफी कमजोर है दोस्तों। तो चलिए इसे अब हम लोग बहुत प्यार से अच्छे से रेस्क्यू करते हैं। आइए नाग देवता, चलिए अंदर चलिए। आप गुस्सा आप सुन सकते हैं, गुस्सा को सुन लीजिए। अब थोड़ी ही देर में हम इसे जाकर अभी भी अभी जंगल में छोड़ेंगे, क्योंकि इसे अभी शिकार की जरूरत है, काफी कमजोर है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा रेस्क्यू वीडियो पसंद आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अरे इसको कहाँ छोड़िएगा।